नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा, आपका मुसाफिर द ट्रैवल गाइड, ये नया एपिसोड लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मुसाफिर द ट्रैवल गाइड आपके मनपसंद शो में बहुत खास सीरीज लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है नो योर राइट्स। बिल्कुल सही दोस्तों, आपके पास एज अ पैसेंजर बहुत सारे राइट्स होते हैं जब आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है, डिले होती है और भी बहुत सारी चीजें जो एज पैसेंजर आप फेस करते हैं। आपके ट्रैवल के दौरान आपको सरकार ने बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं। ये राइट्स जो मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूं, दीज आर एप्लीकेबल फॉर योर डोमेस्टिक ट्रैवल। दीज 8 एपिसोड्स विल बी जस्ट ऑन डोमेस्टिक ट्रैवल। इसके बाद आपके लिए और भी अपडेट्स आती रहेंगी, आपको वीजा से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, किस कंट्री में कैसे जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या क्या आपको सेवाएं मिल सकती हैं और एयरलाइन की क्या क्या ड्यूटीज हैं जो उन्हें आपके लिए करना होता है, वो सब आपके लिए लेकर आएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस मत कीजिए। हर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने सजेशन देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कैंसिलेशंस के बारे में। कैंसिलेशन दो तरह की होती है दोस्तों, एक बार जब एयरलाइन कैंसिल करती है, एक बार जब आप खुद कैंसिल करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैंसिलेशन जब आप खुद करवाते हैं और आपको नहीं ट्रैवल करना होता है, तो उस समय क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना है। दोस्तों सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप अपनी टिकट बुक करते हैं, आपको एक चीज जरूर जरूर चेक करनी है कि उस एयरलाइन जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं और जिसमें आपने अपनी टिकट बुक की है, उसके कैंसिलेशन चार्जेस कितने हैं। और ये भी चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों कि उन्होंने कोई टाइम लिमिट रखी है कि अगर आप 24 घंटे में अपनी टिकट कैंसिल करवाते हैं तो कितने चार्जेस होंगे, अगर उसके बाद आप कैंसिल करवाते हैं तो कितने चार्जेस होंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, फ्लाइट से कितनी देर पहले तक आप अपनी बुकिंग को कैंसिल करवा सकते हैं। इन बातों को ध्यान में जरूर रखिए और इन चीजों को जरूर पढ़िए। जब भी आप टिकट बुक करवाते हैं और आपको एक आइटनरी का प्रिंट आउट दिया जाता है, उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसमें ये सब चीजें अप टू डेट रहती हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो ये है, जब आप एक टिकट बुक करवाते हैं तो आपकी आइटनरी पे डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखा होना चाहिए, उस पे आपका फेयर ब्रेकअप जरूर लिखा होना चाहिए कि आपने कितना एयरपोर्ट टैक्स दिया है, आपने फ्यूल फीस कितनी दी है, आपका बेस फेयर कितना है। टिकट के एक तरफ पे आपका पूरा फेयर ब्रेकअप दिखना चाहिए दोस्तों, जिससे आपको पूरी तरह से पता हो कि आपने क्या पे किया है, कितना पे किया है और आपने जो टिकट अमाउंट दी है उसमें बेस फेयर कितना है और टैक्सेस आपने क्या क्या पे किए हैं। क्योंकि जब आप कैंसिलेशन करवाएंगे तो आपको वहीं से पता लगेगा क्या क्या अमाउंट आपकी डिडक्ट हुई है, कौन सी चीज आपको रिफंड हुई है, कौन सी चीज आपको रिफंड नहीं हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कैंसिलेशन इज होल्डिंग योर अमाउंट एज अ क्रेडिट शेल इज नॉट अ डिफॉल्ट प्रैक्टिस। द एयरलाइन कैन नॉट कीप योर अमाउंट एज अ क्रेडिट शेल अंटिल अनलेस देयर इज अ स्पेशल क्लॉज फॉर कीपिंग दैट अमाउंट एज अ क्रेडिट शेल। जैसे कि आपको पता है, जब लॉकडाउन में बहुत सारी कैंसिलेशन हो गई, सभी फ्लाइट सस्पेंड हो गई थी, तो सभी एयरलाइंस ने क्रेडिट शेल में आपका अमाउंट रख लिया था, आपको रिफंड नहीं प्रोसेस हुआ। दैट यूजुअली डजंट हैपन्स। ये बहुत स्पेशल सिनेरियो था और इतने ह्यूज अमाउंट को हर जगह रिफंड करने से एयरलाइन को भी लॉस होता और पैसेंजर को भी कहीं ना कहीं बहुत दिन लग जाते उन सभी की प्रोसेसिंग में। इसीलिए वही अमाउंट को रखा गया एज अ क्रेडिट शेल और पैसेंजर भी उसी अमाउंट से रिट्रीव हुए। दोस्तों ये दोनों के लिए बेनिफिट था, पैसेंजर को उसकी फेवरेट एयरलाइन मिली जिससे वो ऑलरेडी बुक था और वापस वो उसी एयरलाइन के साथ ट्रैवल कर रहा है जिन पे वो ट्रस्ट करता है। सो क्रेडिट शेल इज नॉट अ डिफॉल्ट प्रैक्टिस, ये सिर्फ लॉकडाउन के दौरान सभी जगह एप्लीकेबल हो गया था। अदरवाइज आपका कोई भी एयरलाइन बाउंड नहीं कर सकती कि आपका जो पैसा है उसे क्रेडिट शेल की तरह वो रिट्रीव करके अपने पास ही रख। द एयरलाइन कैन नॉट फोर्स यू फॉर कीपिंग दैट अमाउंट विद देम एज अ क्रेडिट शेल। यू कैन टेक द रिफंड, इट्स नॉट अ डिफॉल्ट प्रैक्टिस। कोई भी एयरलाइन आपको कभी भी इस क्रेडिट शेल के लिए फोर्स नहीं करेगी अंटिल अनलेस देयर इज अ वेरी स्पेशल सिनेरियो गोइंग ऑन, लाइक जैसे हमने लॉकडाउन में देखा। टॉकिंग अबाउट कैंसिलेशन, जब आप अपनी फ्लाइट कैंसिल करते हैं, कुछ ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट जो आपसे रिफंड जनरेट करने के लिए भी कुछ प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। एज पर द गवर्नमेंट लॉज एंड जो आपको राइट्स दिए हैं, कोई भी तरह की प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं चार्ज करेगा जब आप अपनी टिकट को कैंसिल करवाते हैं,
क्योंकि आपसे ऑलरेडी कैंसिलेशन चार्जेस ले लिए गए हैं, उसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। इसीलिए जो मैंने शुरुआत में कहा था, जब भी आप अपनी टिकट कैंसिल करते हैं, वेदर यू आर बुकिंग इट ऑनलाइन फ्रॉम द एयरलाइंस वेबसाइट और यू आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी वेबसाइट, दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िए कि आपके कैंसिलेशन चार्जेस कितने हैं। क्योंकि अगर आप कैंसिल करते हैं और आपके कुछ भी ज्यादा चार्जेस कटते हैं, आप उनसे वापस मांग सकते हैं वो चार्जेस। दैट्स योर राइट, दे कैन नॉट टेक एनी एक्सेस अमाउंट अदर देन दी कैंसिलेशन चार्जेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन। आपसे किसी भी तरह की एक्स्ट्रा अमाउंट वो चार्ज नहीं कर सकते। जितने कैंसिलेशन चार्जेस एयरलाइन डिसाइड करती है, उतनी ही फीस आपसे डिडक्ट होती है। रेस्ट ऑफ द अमाउंट गेट्स रिफंड बैक टू यू विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस और एनी चार्जेस। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग कैंसिलेशन। जब आप अपनी बुकिंग को कैंसिल करते हैं तो आपके क्या राइट्स हैं वो मैंने आपको अभी बता दिए। लेकिन दोस्तों, एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। एज अ ट्रैवल गाइड, एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप एक बुकिंग जनरेट करते हैं, आप एक बुकिंग खुद से बनाते हैं या एक ट्रैवल एजेंट से लेते हैं, उसमें एक चीज को जरूर चेक करिए दोस्तों, वेदर इट्स अ रिफंडेबल बुकिंग और नॉन रिफंडेबल बुकिंग। कुछ वेबसाइट्स या कुछ ट्रैवल एजेंट्स आपको लो फेयर का टिकट बताकर नॉन रिफंडेबल बुकिंग दे देते हैं। यू वांट टू कैंसिल दैट बुकिंग, यू एंड अप गेटिंग एन आंसर कि आपका बुकिंग रिफंडेबल नहीं है और आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। So please be very careful when you are booking your ticket. So friends, that was all for today's episode. आपके लिए बहुत जल्दी एक नया episode को लेकर फिर आऊंगा मुसाफिर द ट्रैवल गाइड की इस स्पेशल सीरीज में। आपके राइट्स के बारे में बात करते रहेंगे, आपको आपके राइट्स से अपडेट करवाते रहेंगे। आपको बस एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई भी ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। आपका फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। आपके लिए आपका ये साथी यानी कि आपका मुसाफिर द ट्रैवल गाइड हमेशा यहीं आता रहेगा। संडे और थर्सडे को आपके लिए नया एपिसोड हमेशा लाता रहेगा। आपको हमारा साथ हमेशा देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और हमें सपोर्ट करते रहना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये ट्रैवल गाइड यानी कि मैं कनव चोपड़ा आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द आपके लिए नया एपिसोड लेकर आऊंगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। घर से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है, इसीलिए ट्रैवल तभी कीजिए दोस्तों जब बहुत जरूरी हो। अनटिल अनलेस, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।